होडल अंबेडकर भवन पुराना जीटी रोड में मनाई गई 14वीं पुण्यतिथि गरीब दलित असहाय लोगों की मसीहा पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री चौधरी गया लाल जी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर एवं हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा डॉक्टरों ने रोगियों की जांच की, रक्त एकत्रित करने का कार्य नवजीवन चैरिटेबल ब्लड सेंटर एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर का मेट्रो हॉस्पिटल के कुशल एवं अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर पलवल के विधायक करण सिंह दलाल व समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस शिविर की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के उदय भान के सुपुत्र देवेश ने की। रक्तदान शिविर में 2 बजे तक 120 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। पुण्यतिथि के बारे में हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि हमें ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी गरीब असहाय को रक्त की कमी से अपनी जान गंवानी पड़े। उन्होंने बताया कि रक्तदान एक महादान है और हमारा परिवार सदा सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। आइए जानते हैं। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जानकारी देते हुए बताया कि आज इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, किस उपलक्ष्य में किया गया? आज मेरे पिता श्री स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी की 14वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृति में हमने ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और पौधारोपण का कार्यक्रम हमने बनाया है। आज बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि है, उनको भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके जो पूरे देश के लिए जो उनका योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई से लेकर के उप प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, विभिन्न जो मंत्रालय, चाहे रेल का हो, फूड सप्लाई का हो, सभी में जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और जो गरीब के लिए कार्य किया, उनको याद किया गया। और मेरे पिताश्री स्वर्गीय चौधरी गयालाल जी ने जिस तरह से यहाँ पर ये समाज के लिए हमेशा समाज सेवा के प्रति वो अग्रणी होकर के उन्होंने सेवा की, यहाँ पर ये बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर भवन यहाँ पर स्थापना की, जहाँ पर बच्चे अपना हॉस्टल की फैसिलिटी और फ्री यहाँ पर रहने की सारी सुविधाएँ यहाँ पर रखी, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और खेलने वेलने का सारा, यहाँ पर कोई बारात ब्याह शादी हो तो उसके लिए यहाँ पर ये मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गया। सभी व्यवस्था जो उन्होंने की थी वो आज तक जारी है। तो सबसे बेहतर काम हमने पहले भी ये काम किया, तो ब्लड डोनेशन काम जो रक्तदान है, रक्तदान सबसे महादान कहा गया है, जो एक जीवन दान देता है। किसी भी प्राणी के लिए जिसको रक्त की ज़रूरत होती है, वो रक्त उसके लिए काम आता है। तो ये बहुत पुनीत काम, और ये हमें ये संदेश भी देता है कि हमारा रक्त एक है। किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसकी जाति पूछ करके रक्त नहीं मांगा जाता, ना ही जाति पूछ करके रक्तदान किया जाता है। वो रक्तदान करता है जिसको भी आवश्यकता होती है, वो अपना ब्लड ग्रुप मांगता है। एक अमीर आदमी का, एक बहुत गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा चालक या रोज कमाने रोज खाने वाला जो लेबर का आदमी है, उसका भी रक्त जो है एक बहुत बड़े अमीर को, बहुत बड़े वैज्ञानिक को, बहुत बड़े अधिकारी को, बहुत बड़े नेता को अपने प्राण दान दे सकता है। कौन कौन सी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया है, जिन कैंप का सहयोग किया कैंप लगाने में? इसमें जो कैंप में हमारा, वैसे तो क्योंकि हमारी संस्था है दलित वर्ग कल्याण समिति, आयोजन उसी ने किया है। हमारे जो मेट्रो हॉस्पिटल से सभी जो डॉक्टर जो बीमारियों के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं कार्डियोलॉजी के, चाहे वो हड्डी के डॉक्टर हैं, चाहे वो पेट संबंधी रोगों के डॉक्टर हैं, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर हैं, चाहे महिलाओं के डॉक्टर हैं, चाहे ENT सर्जन हैं, चाहे ये कैंसर का डॉक्टर है, वो सभी आज डॉक्टर यहाँ पर आए। सबका यहाँ पर ब्लड के सैंपल वगैरह लिए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, ECG की जा रही है। तो ये मेट्रो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। हमारे यहाँ नवजीवन ब्लड यहाँ पर चैरिटी सेंटर है, उन्होंने और रेड क्रॉस ने, दोनों को हमने ये रक्तदान का चल रहा है। अभी चल रहा है, देखिए अभी मैं गया नहीं, मैंने आंकड़े लिए नहीं,
काफ़ी संख्या में 10 बजे से ही रक्तदान चल रहा है। जो हमें जानकारी है 120 किलोमीटर का अभी रक्तदान हो चुका है। हाँ, तो जो 120 हो चुका है तो अभी और समय है। हाँ। तो और इसमें बढ़ेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 150 से तो ऊपर ही जाएगा। हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आपस में प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाओ, रक्तदान एक बहुत महादान है, इसकी तरफ आकर्षित हो। आज जो सबसे बड़ी जो बीमारी है प्रदूषण की है, प्रदूषण से मुक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। उसके लिए भी हम कल 1500 पेड़ अपने होटल में लगा रहे हैं, 10 हमने ट्रैक्टर कर लिए हैं। आज प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ 2 पेड़ यहाँ लगाए हैं, कल हमारे 1500 पौधे लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे कल होटल में? ये सारे अपने होटल में कस्बे में हमने जगह चिन्हित कर ली है, हमारी टीम लग रही है, वो जाकर के जहाँ आवश्यकता है जहाँ पर गड्ढे खोद रहे हैं हमारी टीम जाएगी ट्रैक्टरों में और वो जगह जगह जाकर के पेड़ों का पौधे तो लगा दिए जाते हैं, उनका रखरखाव नहीं होती। नहीं, उसका संस्थाएं पैसा खर्च भी करती हैं, मेहनत भी करती हैं, मगर शायद उनको लगा के भूल जाती है। प्रयास किया जाता है पूरा अपने तरफ से कि जो इसके तरफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, और कई जगह तो जहाँ संभव होता है हम बच्चों को भी एक एक पेड़ का जिम्मेदारी का सौंप देते हैं स्कूलों में, उस तरह से करते हैं। जो हमारी संस्थाएं उनसे भी हम वो करते हैं, जो हमारा तालमेल जो हमारे होटल में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका भी हम सहयोग लेते हैं। और ये समाज में जागृति लाने का है, जिसके जहां पेड़ लग रहे हैं वह उनको पौधे को रखाएं, पौधे की बच्चों की तरह सेवा करें, ये हमारे प्राणदायी नहीं है। हमारा प्रदूषण को साफ करने के लिए बहुत आवश्यक है। आज जो है सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ है वो प्रदूषण है। हमारा जो वो दूर हो सकता है तो वो पेड़ों से ही हो सकता है। ना आज अन्न शुद्ध है, ना जल शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है। वायु शुद्ध ना होने की वजह से और सारी हैं और ये तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प सबसे अच्छा बेहतर यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, लोगों को जागरूक करें। अलग अलग जहाँ गोष्ठियाँ की जाती हैं उनके जरिए उनको हम आकर्षित करके उनके तरफ उनको झुकाव पैदा करें। यही आज कोई पॉलिटिकल नहीं है, हमारा सारा सोशल सामाजिक आज का हमारा हुआ है। अच्छे न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।